हम लोग चल रहे हैं कनक भवन के लिए, भगवान का राजमहल है पूरा पीला पीला। ये एक तरह से जैसे ऑरेंज सिटी के तौर पे भी इसको सजाया जा रहा है, जैसे जयपुर में पिंक सिटी है वैसे इसको ऑरेंज सिटी के तौर पे भी सजाया जा रहा है। राम मंदिर, ये राम मंदिर के बगल में है, ये रास्ता भी आपको राम मंदिर लेके जाता है। जैसे इससे पहले जिस रास्ते से हम लोग गए थे वो जन्मभूमि पथ था, ये भक्ति पथ है। जैसे भगवान के पास पहुंचने के एक रास्ते नहीं है, दो रास्ते तीन रास्ते हैं। अब चारों तरफ से आदमी घूम टहल के कहीं ना कहीं वही पॉइंट पे पहुंचना चाहता है, जिसको जैसी जानकारी रहती है उस हिसाब से पहुंचता है। ये भगवान की झांकियां हैं। हाँ, ये भगवान की आप झांकियों का दृश्य ले सकते हैं। ये हनुमान जी विराजमान है, राम जी सभी के साथ। झूला वगैरह झुलाना हो परिवार कहाँ गया सबको आ जाने। ये राधा कृष्ण जी है, इसके पीछे भगवान का विराट स्वरूप। हाँ, ये झूला जैसे झूला का वो लगाया गया है, जैसे हाँ जो सेवा कर सके अपना भगवान को, थोड़ा सा झूला झूला सके। जी हाँ, ये भक्ति पथ पे है। ये दानवीर राजा हरिश्चंद्र का वो है जी जी, नहीं ये तो बंगाल के हैं सर, पश्चिम बंगाल के लोगों की इन्होंने आगे के अपना जी जी जी। जी दानवीर राजा हरिश्चंद्र, ये कुछ रिक्शा स्वरूप है जी 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 जी। ये भगवान की झांकी है, दशरथ जी का राजमहल बस 50 कदम पे है। हाँ, उसके बाद 100 कदम पे है कनक भवन, दोनों आस पास जी जी। कनक भवन एक तरह से ये प्राचीन समय में सीता मैया जब स्वयंवर के साथ यहाँ राम जी विवाह करके लेके आए थे तो उनको कैकेयी माता के द्वारा मुँह दिखाए के तौर पे भेंट दिया गया था, तब वो स्वर्ण महल था, मतलब उसी के नाम पे उसका नाम कनक भवन रखा गया। कनक मीन सुना, हाँ, तो उसी के आधार पे इसका नाम कनक भवन रखा गया है। यहाँ पे भगवान के तीन विग्रह स्वरूप विराजमान है दर्शन के लिए, जैसे सबसे छोटे हैं भगवान कृष्ण के द्वारा स्थापित किए गए, और मीडियम साइज के हैं राजा विक्रमादित्य के द्वारा स्थापित किए गए, और जो दाएं हाथ के हैं सबसे बड़े जोड़े वो ओरछा की महारानी के द्वारा स्थापित किए गए थे। तीन अलग अलग जी स्थापित किए नहीं, जैसे दो विग्रह एक भगवान कृष्ण के हाथ के द्वारा था और एक दूसरा राजा विक्रमादित्य के द्वारा स्थापित किया गया था। तो जब यहाँ के राजा ने अपने सिस्टर की शादी की तो वो महल जमाई राजा को भेंट स्वरूप दे दिया था, तो वो ओरछा की महारानी थी। तो जब मुगलों का यहाँ पे आतंक हुआ था तो उन्होंने उस विग्रह स्वरूप को ले जाके ओरछा में रख दिया था, और जब उन्होंने देखा कि यहाँ पे सब जैसे आक्रमण पूरा शांत हो गया था तो फिर वहाँ से इन्होंने जब दोनों को ला के रखा तो इनके हृदय में एक इच्छा प्रकट हुई कि जो दो विग्रह हैं तो एक विग्रह मैं अपने हाथ से भी भगवान का स्थापित कर दूँ, यादगार लम्हे के तौर पर। तो उन्होंने भगवान का एक विग्रह अपने हाथों से यहाँ पे प्राण प्रतिष्ठित कर दिया। ये बात देख नहीं नहीं अभी बगल में, ये जो बाएं हाथ आप देख रहे हैं दशरथ जी का राजमहल। अच्छा जी, यहाँ पे भी भगवान की बाल रूप का दर्शन है चारों भाइयों का जी जी। राजमहल इसको बड़ा स्थान भी कहा जाता है। मम्मी अभी देखो भैया सामने नहीं तो मार्केट आर्टिकल न ले जाए, प्रारूप है ना जी। अभी रेनोवेशन किया जा रहा है, कायाकल्प किया जा रहा है। ये महल नहीं है, देखिए जैसे गुरु जी का निवास स्थान जी जी। कनक भवन की गलियां हैं, ये आस्था का संगम जो आप देख रहे हैं, श्रद्धालुओं के आस्था का संगम है जी। ये अभी प्रातः का वेला, अभी दोपहर शाम तो जाने रहे हैं। जी
देखिए उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग भी इसको प्रमोट कर रहा है कि 6 भाषा शैलियों में लिखा गया है कनक भवन। उर्दू भी है, चाइनीज भी है, पता नहीं कौन कौन सी है, इसकी 4-5 भाषाएं हैं। अपने वनवास के समय प्राप्त किया था ये कंदमूल फल है, इधर देखिए ये कंदमूल फल है, ये लोग चित्रकूट धाम से लाके यहाँ पे सेल करते हैं। 14 वर्ष भगवान ने वनवास के समय इसी का अपना सेवन किया था जी। कंदमूल फल जी, आपकी इच्छा हो तो आप भी चेक कर सकते हैं, ये हल्का मिल। हाँ कोई नहीं, आके भी चेक कर। सलीम लिखा गया है कनक भवन का, दो भाषा तो दो तीन भाषा हम लोग समझ पा रहे हैं, बाकी भाषाओं का ज्ञान हम लोग नहीं कर पाएंगे। हिंदी, उर्दू, तमिल जी, कनक भवन इलाके। सामने ये जो देख रहे हैं ये सबरी मैया का स्टेचू है जी, यहाँ पे प्रसाद का, पेड़े का प्रसाद का भोग लगता है ठाकुर जी को जी। हाँ, भगवान का राजमहल, अयोध्या का स्वर्ग, स्वर्ग अयोध्या का स्वर्ग है। और क्या क्या खूबी है अब बताया तो आपका, जब हमने हमारे युगल सरकार जब यहाँ बैठे हुए हैं तो या किसी स्वर्ग से कम तो है नहीं। पुराना मंदिर है, जो युगल सरकार है, जगत के पालनहार है। सीताराम सीताराम लिखा जाता है, जी भजन होया करता है, नृत्य होया करता है। ये लोग अपना भगवान के समक्ष अपना प्रस्तुत करते रहते हैं नृत्य गान डेली वाइज। माता जी देख के कैमरा माता जी देखा करिए, नीचुओं देखा करिए आप। और बछड़ा धेनु गाई महा सदा सुख।